हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आप लोगों ने हमारा ये कोलो सॉफ्टवेयर के ऊपर दो पार्ट आप लोगों ने देखी है। तो आज जैसे कि हम लोग धीरे धीरे जैसे कि स्टार्ट करने जा रहा है, एक नए स्टूडेंट को किस तरीके से कितना इजी करके हम लोग सिखा पाए, वो सारे तरीका बहुत ही शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। बाद में बहुत बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल करके। तो सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। देखिए, हमारा ये कोलो सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें काम करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को जानना है, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ फ्रेंड। सबसे पहले ऊपर में जो होता है, हमेशा सभी सॉफ्टवेयर में पता है आप लोगों को, जैसे कि फाइल होता है, फाइल के अंदर जो जो होता है इस जगह में, उसके अंदर जो सब मेन्यू होता है। तो इसी तरह आप लोग, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को सीखने के लिए इतना जैसे कि ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग काम करते जाएंगे, मानिए जैसे कि हमें फाइल को सेव करना है तो फाइल में रखेंगे, और ये देखिए धीरे धीरे सेव एज, मतलब हम लोग कोई भी एक काम कर रहा है तो फर्स्ट टाइम हम लोग जैसे कि सेव करते हैं, और दोबारा कोई अलग जगह में कोई सेव करना चाहते हैं तो सेव एज करते हैं। तो और कुछ फाइल वगैरह कुछ हमें इंपोर्ट करना होता है तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए इस जगह में बहुत सारा ऑप्शन दिया है, DXF फाइल दिया हुआ है, एडोबी दिया हुआ है, तो इसी तरह अलग अलग दिया हुआ है इस जगह में। तो एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी हम लोग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे, वीडियो कैप्चर करेंगे, तो इसी तरह पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट टाइम आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं आप लोगों को दिमाग में रखना है हमें ये करना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि एडिट ऑप्शन में ये हमेशा जैसे कि अंडू रिडू होता है, डिलीट कॉपी पेस्ट इस ऑप्शन में होता है, 3D गारमेंट्स के अंदर जैसे कि क्या क्या होता है, सिमुलेट होता है, हाई रिस्क गारमेंट, ये हम लोगों को काम करने के लिए हम लोगों को जितना जितना यानी कि जो जो कुछ चाहिए तो इसके अंदर होता है, 3D ऑप्शन में होता है। उसके बाद स्विंग, मानिए हम लोग कोई गारमेंट्स अगर कोई स्टिचिंग करे, स्टिचिंग के टाइम तो स्विंग ऑप्शन जैसे कि देख कर ही यानी कि पढ़ कर ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे एडिट करते हैं, फिर स्विंग करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट टाइप जो टूल बार होता है वो मटेरियल्स, मतलब जो हम लोग फैब्रिक में डिफरेंट टाइप जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि टेक्सचर, ग्राफिक्स के ऊपर, बटन, जिपर, पाइपिंग, ये सब कुछ का सिस्टम वगैरह ये इस जगह में आप लोगों को मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जैसे कि अलग अलग मानिए हम लोग एक स्टिचिंग दे रहा है, स्टिचिंग को दिखाना चाहते हैं, उसका अलग कलर देना चाहते हैं, बहुत बहुत अलग अलग सेटअप होता है, बस वो सब मिल गया इसमें। अब तर मतलब हमारा जो मॉडल हम लोग जो यूज़ करते हैं, मॉडल मतलब फ्रेंड ये वाला हिस्सा, तो मैं आ रहा हूँ फ्रेंड इस जगह में आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ अवतार, यानी कि हमारा जितना मॉडल है, मॉडल को मेजरमेंट मतलब डिफरेंट टाइप जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में अलग अलग जो बहुत कुछ होता है वो इस जगह से हम लोग सीखेंगे। तो इसी तरह ही रेंडर करना है, डिस्प्ले मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन शो अप रहेगा वो प्रेफरेंस, उसके बाद जैसे कि सेटिंग वाला जो ऑप्शन है जिसमें लैंग्वेज सिलेक्ट है, कौन सी लैंग्वेज में हम लोग जैसे करना चाहते हैं, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, तो इसी तरह अलग अलग है। और इस जगह में यूजर सेटिंग हम लोग आ रहे हैं अभी, ये बहुत जरूरी है। तो और डीएक्टिव जैसे कि लाइसेंस होता है वो अलग से बात है, जैसे कि हम लोग अगर कोई लाइसेंस देकर करो इस जगह में अलग से ऑप्शन हो जाएगा, और हेल्प कुछ हमारे प्रॉब्लम है तो नेट में से सॉल्व हो जाएगा, फ्री आक्स क्वेश्चन इस जगह में होता है, इसका कम्युनिटी इसी तरह उस जगह में है। और लेफ्ट में फ्रेंड इस जगह में जैसे कि हिस्ट्री है इस जगह में, और ये कैसे काम करता है आप देखिए, जैसे कि ये हमारा जैसे कि वर्क स्पेस है, ये होता है 3D और ये होता है 2D, ये 2D यानी कि इस जगह में 2D मतलब फ्रेंड जो इस जगह के बारे में जो बोल रहा हूँ फ्रेंड, इस जगह में हम लोग काम करते हैं। और इसका जो
इस तरफ है, इस जगह में हम लोग जो पैटर्न तैयार करते हैं वो पैटर्न को इस जगह में डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए अब मैंने धीरे धीरे मॉडल पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को जो 3D जो मॉडल होता है वो मॉडल को इसमें हम लोगों को ओपन करना पड़ता है, वर्क स्पेस पे लाना पड़ता है। ओके, तो हम लोग मॉडल को ऐड कैसे करेंगे? तो इस जगह में जो लाइब्रेरी होता है फ्रेंड, लाइब्रेरी में बहुत अलग अलग ऑप्शन होता है। इस जगह में आप लोग छोटा छोटा करके देखिएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये ठीक है। इसी तरह बहुत अलग अलग इस जगह में एक ऑप्शन है, इसे क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है, आप लोगों को सबसे पहले जानना है। ठीक है, तो ये है। और आप लोगों को ये तो पता है, हमारा जो वर्क स्पेस जो है लेफ्ट में, जो हमारा टूल बार रहता है, और इसका भी जैसे कि 2D पैटर्न, इसके भी लेफ्ट में जो 2D, यानी कि ये जो है 2D का टूल बार लेफ्ट में, और इसका जो 3D का टूल बार ये लेफ्ट में है। ओके, यानी कि इस जगह में कुछ भी हम लोग काम करें, 3D में कुछ भी काम करें, तो उसका जो ऑपरेटिंग हमारा ये टूल बार से लेफ्ट में से मिल जाएगा। 2D में कुछ अगर काम करें तो इस जगह से लेफ्ट में से हम लोग काम काज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारा जो अवतार होता है इस जगह में। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, गारमेंट, अवतार, हैंगर, फैब्रिक, कौन सी टाइप का फैब्रिक हम लोग यूज करेंगे, मटेरियल्स क्या लेंगे, स्टेज, मतलब फ्रेंड हमारा जो कोलो सॉफ्टवेयर में जो रैंप वर्क होता है उसकी परफॉर्मेंस और मोशन वगैरह सब कुछ इस जगह से होता है। लाइब्रेरी इस जगह में है। सिंपल सा जो हम लोगों को जो लाइब्रेरी होता है, जैसे कि बुक रहता है, डिफरेंट टाइप बुक रहता है, तो इसमें भी उसी तरह ही है। एक गारमेंट्स को तैयार करने के लिए जैसे क्या क्या चाहिए, जैसे जीपर वगैरह चाहिए, डिफरेंट टाइप फैब्रिक चाहिए, हैंगर, इसी तरह ड्रेसअप है, तो सारे लाइब्रेरी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें से ही एक ऑप्शन है अवतार। अवतार में हम लोग क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए जो फीमेल वाला जो ऑप्शन है, इसमें डबल क्लिक करने के बाद हम लोगों को इसे मॉडल में डबल क्लिक करेंगे, नहीं तो इस जगह से ड्रॉप ड्रैग करेंगे इस जगह में वर्कस्पेस में, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने सिंपल से डबल क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक किया है माउस से, तो ये हमारा मॉडल इस जगह में आ गया है। ओके, और उसके बाद मॉडल आने के बाद फिर इस जगह में हम लोगों को अगर इसमें से मानिए ये तो नॉर्मल ही है, और कुछ प्रिकॉशन इस जगह में होता है, जैसे गारमेंट्स, फीमेल गारमेंट्स, इसके अंदर हमें डबल क्लिक करना है, तो इसके अंदर इम्पोर्ट है जी। ये बोल रहा है जैसे कि ये तो रहेगा, अवतार के साथ साथ पोज में ये हमारा जो नया ऑप्शन है वो आ जाएगा, वुड यू लाइक टू लोड द अवतार पोज एंड साइज फाइल। तो जैसे कि मैंने बोला, तो इस पोज के साथ ये नया ऑप्शन ये आ जाएगा, गारमेंट्स इसके साथ इम्पोर्ट हो जाएगा। और ये आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो घूम रहा है मॉडल को मैं घुमा रहा हूँ, और ये मैंने माउस को मैंने राइट प्रेस करके ड्रैग कर इसी तरह घुमा रहा हूँ। और इसे अगर एक ही एंगल में हम लोग अगर फिक्स करूँ तो जैसे कि शिफ्ट करके वो फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट प्रेस करके वो फिक्स कर देंगे हम, उसे फिक्स हो जाएगा। फिर से दोबारा छोड़ के हम घुमाएंगे, इसी तरह वो घूमेगा। ओके, और हमारा इधर जितना भी पैटर्न, यानी कि 2D में जितना पैटर्न हम लोग तैयार करेंगे वो इधर वो ऑटोमेटिकली वो चले आएगा इस जगह में। इसी तरह पैटर्न को हम लोग, ये आप लोग देख रहे हैं ना इस जगह में, ये देखिए फ्रेंड इसके अंदर ये देख रहे हैं ना धीरे छोटा छोटा जो लाइन, तो ये लाइन में भी डिफरेंट टाइप कलर इस जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग सेटिंग्स में जाकर ये सब चेंज कर सकते हैं। और ये हम लोगों को स्टिचिंग लाइन होता है, जब हम लोग मॉडल को जैसे कि हम लोग मैनुअली जो स्टिचिंग करते हैं स्विंग मशीन से, तो ये सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। तो ये जैसे हम लोग सिलाई करेंगे, सिलाई करने के बाद ये हम लोगों को जैसे कि ड्रेस को हम लोग अगर करें, तो ये देखिए, ये देखिए, ठीक है भाई, दिख रहा है इस जगह में, तो ड्रेस ऑटोमेटिकली तैयार हो गया है। तो इसमें जैसे कि बहुत अलग अलग ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है इस जगह में, देखिए कितना जैसे कि वेरिएशन है, नेचुरल है ये, ठीक है फ्रेंड। तो इस जगह में ये सब हम लोग कर सकते हैं। फिर से हम लोग इसे अंडू करके, यानी कि कंट्रोल जेड प्रेस करके, मैंने पहले हमारा जिस तरीका से था मैंने उसी तरीका से इस जगह में मैं आ गया हूँ। ओके, बस उसके बाद फ्रेंड जैसे कि इसे जो इस जगह का जो एरो मैंने आप लोगों को बोला था, जो ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन बड़ा हो गया है, ठीक
फिर से हम लोग लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे, चले जाएगा हिस्ट्री में जैसे करेंगे, तो ये धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा, ये इस जगह में चला जाएगा। दोबारा मैंने इस एरो में क्लिक करेंगे, एक एक करके वो जगह में चले जाएगा। लाइब्रेरी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस जगह को रखा है। और इस जगह में फ्रेंड कुछ भी ऐड करने के लिए इस जगह में हम लोग रखा है। और ये देखिए रीसेट करने के लिए हम लोगों को ये ऑप्शन वगैरह इस जगह में दिया हुआ है, डू यू वॉन्ट टू रीसेट फैब्रिक। तो इसी तरह अपना हम लोग जब काम करेंगे फ्रेंड, इस तरह सब कुछ करेंगे हम लोग। और ऐड मतलब हम लोग कुछ भी इस जगह में ऐड करेंगे, तो वो ऐड डाउनलोड ऑप्शन इस जगह में डाउनलोड वाला ऑप्शन है। और इसे आप लोगों को जैसे कि इसी तरह बहुत अलग अलग ऑप्शन इस जगह में दिया हुआ है। और ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये बड़ा करने के लिए इस जगह में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं इसे, ओके। और दूसरी बात है जैसे कि इस जगह में एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए ये 1 2 3, मतलब ये 2D है, 3D, और ये डबल स्क्रीन इस जगह में दिखेगा। तो जैसे कि हम लोग 2D में क्लिक करेंगे सिर्फ 2D दिखेगा, 3D में क्लिक करेंगे 3D दिखेगा, और अगर डबल स्क्रीन में इस जगह में क्लिक करेंगे तो वो एकदम डबल दिखेगा इस जगह में, ओके फ्रेंड। और दूसरी बात है जैसे कि दोबारा मैंने जैसा था वैसे ही मांगा है, तो इसी तरह बहुत सारा छोटा छोटा पैन ऑप्शन इस जगह में आप लोगों को मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा। और राइट में फ्रेंड हमारा जैसे कि प्रॉपर्टीज रहेगा, इस जगह में जितना ऑप्शन जैसे इंपोर्ट हो जाएगा उसका प्रॉपर्टीज इस जगह में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए जैसे मैंने इस ड्रेस पे मैंने क्लिक किया है, तो इसका रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज एडिटर होता है इसमें जैसे कि बहुत अलग अलग होता है, वो मैं बाद में सीखेंगे फ्रेंड। मैंने सिंपल से एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए ये क्या है। और इस जगह में भी जैसे कि बहुत कुछ है, जैसे कि सिमुलेशन है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, बहुत कुछ इस जगह में भी आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज एडिटर, और ऊपर में जो है वगैरह ये कुछ नहीं है, सेटिंग्स में दिखा रहा हूँ। और हम लोगों को ये चलिए और कुछ बोलना नहीं है इस जगह में। तो फ्रेंड बस इसी तरह ही हम लोगों को काम करना है। उसके बाद सबसे पहले जो सेटिंग्स है वो आप लोगों को मैं अब दिखा रहा हूँ। जैसे कि ऊपर में ये वाला ऑप्शन, सबसे पहले हम लोगों को जानकारी चाहिए जो सेटिंग्स ऑप्शन होता है, ये सेटिंग है। उसके अंदर हमें लैंग्वेज तो मैंने बता दिया है, और यूजर सेटिंग को आज हमने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग, उसके बाद यूजर सेटिंग। तो यूजर सेटिंग में क्या है, सबसे पहले ऊपर में जो ग्राफिक ऑप्शन इस जगह में दिया हुआ, ये देखिए ये ऑप्शन है ग्राफिक ऑप्शन। तो इसमें देखिए यूज भॉप्स करके जैसे कि एक ऑप्शन इस जगह में दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसमें चेक किया हुआ है। और इस जगह में जैसे कि ऑप, X2, X4, X8, इसी तरह करके 16 में फिर से इस जगह में चेक दिया हुआ, इसका मतलब है हमारा जैसे कि कंप्यूटर में अगर लैपटॉप में अगर ग्राफिक्स ठीक ठाक है, अगर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह है अच्छी तरीके से चल रहा है, तो इसे चेक चलने दीजिए, जैसा है वैसे डिफॉल्ट रखिए। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, ये जो सेटिंग्स है इसमें इसको आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आप इसे रखिए, तो काम करने के लिए आसान होगा। क्योंकि इसके मतलब आप लोगों को अगर ना पता हो तो मत कीजिएगा, बाद में मैंने एक टाइम आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। जब टाइम जब आएगा मैं बता दूंगा मैं, जैसे कि कपड़ा के अंदर बहुत अलग अलग इफेक्ट देना है, उस वक्त सेटिंग्स वगैरह सब हम लोग चेक करते हैं। और चलिए वो मैंने जैसे कि आप लोगों को कंप्यूटर में अगर जैसे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह ये सब नहीं है तो आप इसे अनचेक कर दीजिएगा। जैसे इसे आप अनचेक कर दीजिएगा, मतलब जैसे कि ऑफ कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेगा, ये सेटअप में आ जाएगा, ओके। तो मैंने फिर से हमारा जैसा था वैसा ही मैंने इस जगह में रख रहा हूँ। और दूसरी बात है जैसे कि ये जो ब्लेंडिंग है, इसे जैसा है नॉर्मली आप रख दीजिए, इस जगह में छेड़छाड़ मत कीजिएगा। और इस जगह में भी बहुत सारा ऑप्शन इस जगह में दिया हुआ है, ठीक है, तो बाद में भी ये सब डिस्कस करेंगे। ये जैसा है नॉर्मल सेटिंग में रखिए। व्यू जैसे कंट्रोल में, जैसे कि ये जो है हमारा जैसे मैं यूज कर रहा हूँ रेगुलर माउस, इसके अलावा इस जगह में जैसे कि मैक वर्शन होता है, वेकम पेन बहुत लोग यूज करते हैं, तो उस तरह के लिए अलग अलग इस जगह में सेटअप होता है, ठीक है।
तो और सबसे पहले आप लोगों को जानना है फ्रेंड, ये कौन सी जगह में कौन सी सेटअप ये सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज वो सेटअप आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद जैसे कि जूम करने के लिए आप लोगों को जैसे कि लेफ्ट माउस बटन प्लस ऑल्टर, इसी तरह बहुत कुछ ऑप्शन इस जगह में दिया हुआ है। मतलब जूम का मतलब है जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो जूम करते हैं फ्रेंड, तो वो जूम जिस तरीके से करते हैं उसका सारे ऑप्शन इस जगह में दे कर रखा है, लेफ्ट माउस बटन प्लस ऑल्टर, ओके। तो इसमें जूम आ जाएगा, तो बस इसी तरह ही सब कुछ इस जगह में दिया हुआ है इस जगह में, और ज्यादा चेंज हम लोग नहीं करेंगे। राइट बटन क्लिक इस जगह में रोटेट करने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो राइट माउस बटन को प्रेस करके जो रोटेट करते हैं हम लोग, और पॉपअप मेनू ओपन करने के लिए हमेशा जो राइट बटन क्लिक करते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये जो हम लोग पॉपअप मेनू, मतलब ये देखिए जैसे कि मैंने बोला तो रोटेट करने के लिए इसी तरह, और राइट में क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप मेनू ये ओपन हो जाएगा, बस इसके बारे में ही वो जगह में बोल रहा है। और सेटिंग्स क्या होता है, आप लोग जैसे मोबाइल में अलग अलग सेटअप होता है उसे चेंज करते हैं, तो आपका जैसे कि ये सेटअप चेंज हो जाता है, तो बस उसी तरह ही सेटिंग में हम लोगों को बहुत कुछ अलग अलग सेटअप करना है, वो काम के हिसाब से हम लोग करेंगे। नेचुरली इस जगह में सब कुछ डिफॉल्ट रहता है, वो एकदम रहने दीजिए आप, इस जगह में कुछ नहीं करना है। और जैसे कि एक्सिस कॉन्स्टेंट की शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, स्मार्ट पैनिंग ऑटो फोकस ये जैसा है वैसा ही इसे रख दीजिए, इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे कि डिफॉल्ट वाई एक्सिस पोजीशन, ये डिफरेंट टाइप पोजीशन, यानी कि आप जब अवतार को यूज करेंगे उसमें जैसे कि डिफरेंट टाइप पोजीशन को डिफाइन करेंगे, वो कुछ फोकस होता है जैसे कि हम लोगों को पास में आएगा कैमरा डिस्टेंस, ये सब इस जगह में काम आएगा, ओके फ्रेंड। तो वो जिस तरीके से जिस टाइम काम होगा वो और भी डिटेलिंग हम समझा देंगे। उसके बाद आ रहा है फ्रेंड शॉर्टकट की, मतलब अब अपने हिसाब से शॉर्टकट को आप सेटअप कर सकते, जैसे कि फाइल फाइल में आप लोग अपने हिसाब से शॉर्टकट की जो है वो सेट कर सकते हो, एडिट किस तरीके से है वो शॉर्टकट कीबोर्ड से आप लोग करके कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड जो यूजर इंटरफेस है फ्रेंड, इसमें जैसे कि काम करने के लिए मैं हमेशा इंस को प्रेफर करता हूँ, तो अगर इंस सेटअप करूँ तो बस इंस इसी तरह करके हम लोग सेटअप कर देंगे। उसके बाद जैसे कि ये ऑप्शन डिफरेंट टाइप ऑप्शन वगैरह है, बटन विद वगैरह है, इसे ऑफ करके रखा हुआ अगर चेक करूँ तो ये बटन विद ये सब दिखाएगा। जैसे कि ये थ्रेड का है, थ्रेड का अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इस जगह में सब दिया हुआ है, ये सब है। करेंसी लिमिट यूएसडी दिया हुआ है, मूड अप टूल बार, टूल बार मतलब फ्रेंड जो हम लोगों को जैसे कि जो टूल बार हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये जो टूल बार मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये हम लोगों को तय करना है हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे राइट में। ये देखिए 3D के जो टूल बार होता है वो लेफ्ट में मैंने रखा हो, और 2D का जो टूल बार वो भी मैंने लेफ्ट में रखा हो, और रेंडर जो टूल बार है वो मैंने राइट में रखा हो। ये देखिए ऊपर में राइट में इस जगह में दिया हुआ है, ओके। तो बस इसी तरह ही हर एक जैसे कि सेटिंग्स का अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे हम लोग लाइन करते हैं पैटर्न आउटलाइन करते हैं इंटरनल लाइन करते हैं, तो वो हम लोगों को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसी तरह अलग अलग कलर इस जगह में यूज किया हुआ है। पिक्सेल का इसमें पॉइंट दिया हुआ है, लाइन लेंथ साइज दिया हुआ है, बस इसी तरह ही है इस जगह में अलग अलग है। डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन DPI ये सब कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं यूजर इंटरफेस से। और ये 3D जो ऑप्शन सेटिंग है, 3D में बेसिकली क्या होता है, ये भी अलग हर एक जगह में अलग अलग सेटअप होता है, ओके। इस जगह में तो जैसे कि ट्राइंगल, तो ट्राइंगल मूड में हमेशा क्या होता है, जो कोई भी जो मेसअप होता है वो अच्छी तरीके से सेटअप होता है, अच्छा दिखता है, फिनिशिंग अच्छा होता है। और क्वेड भी इसी तरह अलग अलग से ऑप्शन वगैरह इस जगह में है, और डिफरेंट अरेंजमेंट शेप टाइप कार्व इसमें दिया हुआ है, तो इसके मतलब है फ्रेंड जो पैटर्न, ये देखिए पैटर्न में जो कार्वनेस दिख रहा है इस जगह में पैटर्न को, ये देखिए कार्व बस वो ही इस जगह में सेटअप है। आप चाहे आप फ्लैट भी आप लोग सेट कर सकते हो इसमें, कोई परेशानी, इसी तरह अलग अलग है। और इस जगह में अनफिल्ड गिज्मो ये सब क्या है जैसे कि वो मैं बाद में आप लोग समझा, जैसे कि नॉर्मली जैसा है वैसा ही इसे रख दीजिए, क्योंकि हम जल्दी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक एक को चेंज करेंगे और वही से हम लोग दिखा देंगे।
2D में क्या क्या करना है, डिफॉल्ट बटे डिस्टेंस वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली ऑफसेट 2D पैटर्न ये सब करना है, और अदर ऑप्शन में जाके ये भी बहुत अलग अलग है, आप पढ़ लीजिएगा इसी तरह। और उसके बाद डिफॉल्ट फाइन वगैरह इस जगह में बहुत अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, इसे भी कर लीजिएगा डिफॉल्ट ऑप्शन में। अवतार का सेटिंग यानी कि हमारा जो अवतार जो हम लोग जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग इस जगह में दिया हुआ है, प्रोजेक्ट जैसे कि इस जगह में दिया हुआ है, सेव थंबनेल इसी तरह दिया हुआ है, तो कौन सी जगह में क्या सेटअप करना है ये सब कुछ, फैब्रिक का कहाँ सेटअप करना है, कौन सी जगह से हम लोग फाइल को उठा रहा है, ये सब डिफरेंट टाइप आप पढ़ के एक बार कर लीजिएगा। सारे अगर दिखाने जाओ बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैंने नॉर्मली ऐसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सब गारमेंट इन्फॉर्मेशन है जो गारमेंट्स का जो है वो इस जगह के सेटअप आप लोग कर सकते हो। उसके बाद कोलो API इस जगह में है, ये भी आप लोग पोजिशन कर सकते हो। क्लोसेट ये भी है जैसे कि URL वगैरह ये जब हम लोग लॉग इन वगैरह ये सब कर सकते हैं। बस ये रहा हमारा इंटरफेस, और अगले हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले प्रोजेक्ट में फ्रेंड, जो किस तरीके से काम करते हैं वो तरीका हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।